हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम UPI के द्वारा पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं और ऐसे में हम गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम या फिर भीम या फिर कोई अन्य एप्लीकेशन हम चलाते हैं जो कि UPI के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में अगर वो पैसे किसी दूसरे के खाते में पहुँच जाते हैं, कहने का मतलब है हमारे साथ अगर फ्रॉड होता है या फिर हम किसी दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ऐसे में किसी दूसरे के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं, तो उन पैसों को हम अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि कई बार ये भी देखने को मिला है कि हमसे लोग ठगबिद्दी कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि वो लालच देते हैं कि फ़ोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लालच देते हैं कि आपको एप्पल फ़ोन मिल जाएगा, कि इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस दीजिएगा, कि आप इस तरीके की फ़ीस दीजिएगा, ठीक है, तो हमें पेमेंट करनी पड़ जाती है या फिर हम उनके लालच में आकर और हम वो पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे में हमारे साथ धोखा होता है, ना तो हमें फ़ोन ही मिलता है, हमारे पैसे कट जाते हैं, तो ऐसे में उन पैसों को हम अपने बैंक अकाउंट में वापस किस तरीके से ले सकते हैं, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो वीडियोज़ को लाइक कर दें। सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे कि अगर हम फ़ोन पे चला रहे हैं या फिर गूगल पे चला रहे हैं और हम गूगल पे से पैसे को ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें गूगल पे वालों की गलती है, ठीक है, ना तो आपको गूगल पे वाले पैसे यहाँ पर नहीं दिला पाएंगे। गूगल पे वालों का काम होता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पैसे को पहुँचवा देना। अगर वो पैसे का ट्रांजेक्शन हो जाता है तो वो गूगल पे वाले उनके अकाउंट से पैसे निकाल कर आपके खाते में नहीं डाल सकते हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कर सकता है और किस तरीके से आपको करना है, क्या क्या प्रोसेस, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहां पर कट कर देते हैं, कट करने के बाद में हम यहां पर क्रोम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि NPCI UPI कंप्लेन, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे और हमारे सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंप्लेन का ऑप्शन। उसके बाद में आपको किस तरीके की कंप्लेन करना है, ठीक है, जैसे कि ट्रांजैक्शन और पिन, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, SMS, लॉगिन या फिर ऑथर कोई दिक्कत है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को लेकर, तो हम ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपको किस तरीके की यहाँ पर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड दिक्कत है, ठीक है, यानी कि पर्सन टू पर्सन है या फिर आपने किसी के जैसे कि शॉप वगैरह पे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है, उसकी पेमेंट की है, तो मैं यहाँ पर पर्सन टू पर्सन यानी कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, पर्सन टू पर्सन हमने यहाँ पर पैसे भेजे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट लिया है। आपका जो भी हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो पैसे हैं वो भेजे किस तरीके से गए हैं, यानी कि आपका जो भेजने का तरीका था, यानी कि हमें किसी दूसरे के खाते में भेजने थे और भेज किसी दूसरे के खाते में गए हैं, ठीक है, दूसरे के खाते में पैसे भेज गए हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है ये तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, जैसे कि ऑथर अकाउंट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लीज़ सिलेक्ट द इशू फॉर्म ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, यानी कि आपको जिस भी जो आपका ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके का है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और अपने ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, वो आप यहाँ पर 500 वर्डों में लिखेंगे, ठीक है, विस्तार के रूप में। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मैं यहाँ पर एयरटेल लिख देता हूँ। और इसके बाद में आपको यहाँ पर UPI ID एंटर कर देना है, किस UPI ID पर आपने पैसे भेजे हैं, ठीक है, तो वो UPI ID आपको ट्रांजेक्शन में ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट डाल देना है कि जो आपका अमाउंट है वो कितना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो कि डेट डालनी है, यानी कि किस डेट में यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन हुआ है, और आपको यहाँ पर अपनी मेल और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है उस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेकर जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो आपका यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। आप इतना काम कर देते हैं जो आपकी कंप्लेन है वो यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। उसके बाद में आपके पास 12 घंटे के अंदर अंदर आपके पास एक कॉल आएगा, वो कॉल पर आपको बताएंगे कि आप उन पैसों को किस तरीके से ले सकते हैं। अब वो भी किस तरीके की बातें बताएंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। वो आपसे कहेंगे कि देखो आपने जो पैसे ट्रांजेक्शन किए हैं वो हम उन पैसों को आपके बैंक खाते में नहीं दे सकते हैं, पर जिस बैंक से वो पैसे कटे हैं, ठीक है, वो बैंक वाले चाहें तो उन पैसों को आपके खाते में वापस ले सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी ब्रांच जाना है, ठीक है। आप ब्रांच में जो मैनेजर होते हैं वो क्या कहते हैं, उनका जो पॉलिसी होती है वो आपको ट्रांजेक्शन वापस करके दे ना दें, ठीक है, वो उनके ऊपर रह जाती है। पर जो पैसे हैं अगर आपके 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप इस बात को ध्यान दे लेते हैं और 3 दिन से पहले पहले अगर आप बैंक पहुँच जाते हैं, तब बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आपके पैसे को
जो दूसरे के खाते में चला गया है उन पैसे को आपके खाते में वापस ला सकते हैं। तो ये उनके पास ये पूरी अथॉरिटी होती है। अगर आपका जो पैसा कट जाता है कभी भी, या फिर आपका पैसा किसी दूसरे के खाते में पहुंच जाता है, तो आप बैंक जाकर और आप बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं कि सर मेरा पैसा कुछ इस तरीके से कटा है और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर जो बैंक मैनेजर होते हैं वो यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देते हैं और वो इस चीज़ को चेक करते हैं, उसके बाद में जो पैसा है उसके खाते से कट के आपके खाते में पैसे को ट्रांजेक्शन कर दिया जाता है। ये चीज़ की उनके पास अथॉरिटी होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैसे को अपने बैंक खाते में ले सकते हैं, यही एक तरीका होता है, ठीक है। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।